कार्यक्रम के प्रमुख बिहार के अध्यक्ष धर्म जागरण के हमारे बड़े भाई बिलोद जाधव जी उपस्थित इस कार्यक्रम में यहाँ के पश्चिम चंपारण के लोकप्रिय सांसद माननीय संजय जायसवाल जी, आपके बीच राज्यसभा के सांसद बड़े भाई सतीश दुबे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री के रूप में और बेतिया के विधायक रेणु देवी जी, हमारे जिला संघ के प्रमुख राजकिशोर जी, विनीत जी, तमाम हमारे धर्म जागरण के यहाँ सभी जो उपस्थित है, मैं सभी को इस मंच के माध्यम से सबका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हरिहर नाथ से मुक्तिनाथ, हरि हर, हरि मने विष्णु, हर मने महादेव, दुनिया में कहीं विष्णु और महादेव का मंदिर एक स्थान पर नहीं है, वो सोनपुर में आप हरिहर नाथ है। हरि मैंने विष्णु वहाँ जो ग्रह गजराज की कहानी सुना रहे थे, स्वयं वहाँ विष्णु गए थे गजराज को बचाने के मारने के लिए, और बचाने के लिए उनका जब पुकार हुआ तो पहुँचे। तो धर्म जागरण, जहाँ धर्म को जागरण कर रहे हैं, जगा रहे हैं, उस पुराने चीज को हमारे हमारे जो विरासत में मिला था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गंधारी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि आप इस महाभारत युद्ध को चाहेंगे तो रोक सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपके 100 पुत्र अधर्म के मार्ग पर है और मेरा अवतार धर्म के रक्षा के लिए हुआ है, इसलिए मैं किसी भी कीमत में अधर्म के मार्ग पर नहीं जा सकता हूँ। भगवान कृष्ण को गंधारी ने कहा कि मैं 56 करोड़ जदुवंशियों का श्राप दूंगी और 56 करोड़ जदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जहाँ धर्म है तहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है तहाँ विजय है, इसलिए मुझे 56 करोड़ चतुर्वंशियों का विनाश मंजूर है, लेकिन मैं अधर्म के मार्ग पर नहीं जा सकता हूँ। इसलिए मेरा अवतार धर्म के रक्षा के लिए हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि जब धर्म गइल तो सब गइल, इस धर्म को आप लोग बचा लीजिए, नहीं तो मोदी और योगी नहीं रहते। तो आज देख लीजिए पूरा देश में कैसे मंदिरों को सुसज्जित किया जा रहा है और सारे तीर्थस्थलों को, आप पर्यटन स्थलों को कैसे कॉरिडोर बनाकर, काशी कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर, बद्रीनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर, आज आपका महाकाल कॉरिडोर, सबको ही मोदी जोगी के राज में धर्म को सुरक्षित किया जा रहा है। किसी जाति पाति से सब उठ करके और धर्म के मार्ग पर जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे समाज विध्वंस हो गया, लेकिन उन्होंने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। माता गंधारी ने श्राप दिया और 56 करोड़ चतुर्वंशियों का विनाश हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर रहे और आज भी हम उनकी पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का अभिनंदन और स्वागत है, धन्यवाद। रथ आपके सामने आ चुका।